हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी जवान का प्रीव्यू आ चुका है, जिसने इंटरनेट पर तो आग लगा ही दी थी। यूट्यूब को उसने ब्रेक कर दिया था और ठीक 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन व्यूज हासिल किए थे सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इस तरीके से सारे मिला के कुल मिला के 112 मिलियन व्यूज उन्होंने हासिल किए थे। लेकिन इसका असली इंतजार हो रहा था थिएटर में देखने को। दोस्तों हाल ही में ही टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल की 7 पार्ट भी रिलीज हुआ है, जिसमें शाहरुख खान की जवान मूवी का प्रीव्यू आना था। लोग मूवी छोड़ के सिर्फ प्रीव्यू ही देखने के लिए गए थे। कई ऐसे सारे लोग थे जो सिर्फ थिएटर में शाहरुख खान की एंट्री देखना चाहते थे और शाहरुख खान की डायलॉग सुनना चाहते थे। तो लोगों का जो एक्साइटमेंट था वो देखने लायक था। हर एक डायलॉग जो शाहरुख खान ने बोले थे, उसमें जो पब्लिक बिल्कुल पागल हुई जा रही थी। इस तरीके के रिएक्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोग बिल्कुल 101% एक्साइटेड है इस मूवी के देखने के लिए। और साथ में आपको ये भी पता होगा, शाहरुख खान के लिए जो दीपिका पादुकोण है वो एक प्रकार से लकी गर्ल है। जैसे कि अगर हम पिछली कुछ मूवी की बात करें तो शाहरुख खान दीपिका के साथ लगभग 5 मूवी चुकी है, जो कि पांचों मूवी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर है, जिसमें से पहली मूवी दूसरी चेन्नई एक्सप्रेस और तीसरी हैप्पी न्यू ईयर और चौथी पठान। अब इसके बाद पांचवी मूवी आती है जवान। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए शाहरुख खान की ये मूवी या पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय।